अगर आप भी एक माइक्रोवेव ओवन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और मैंने मंगाया IFB का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन और ये है 30BR-C2 का। मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और आप पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसी मॉडल को क्यों चुना अगर आप एक बजट रेंज में चाहते हैं तो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नसीमुल और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इस माइक्रोवेव ओवन के साथ जो हमें मिला है गिफ्ट के तौर पे, तो वो IFB ने हमें ये इस तरीके का एक गिफ्ट बॉक्स अलग से दिया है और इसमें देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें होंगी। साथ में ये एक कुक बुक है जो हमें गाइड करती है कि हमें इसमें किस तरीके से बनाना है, तो ये बुक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बताई गई हैं, बनाने का तरीका दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जितनी देखने में आसान होती है, ऑफकोर्स माइक्रोवेव में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमें उनका फंक्शंस आता नहीं है इस वजह से। तो अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उस तरीके से फिर आपकी वीडियोस बनाऊंगी कि इसमें किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसमें हम सारी चीज़ों को कुक कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल बुक है, इसे भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमें माइक्रोवेव में बनाने के लिए, इसके अलावा IFB के लिए ने जो हमें दिया है ये गिफ्ट बॉक्स है और इसमें हमें ये हमें इसमें एक बॉक्स मिला है। मैं इसे खोल लेती हूँ। ये इस तरीके का ये माइक्रोवेव सेफ है, हमें यूटेंसिल्स मिला है बट इसका जो कवर है, मेक श्योर ये मतलब हमारे ओवन में डालने का नहीं है, तो अगर आप कवर डाल देंगे तो ऑफकोर्स ये ख़राब हो जाएगा। सिर्फ बॉक्स है ये, लेकिन ये जो है ये बड़ा वाला बॉक्स, इसे आप डाल सकते हैं। और ये इडली मेकर है, तो ये दो चीज़ें हमें दी है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दी है IFB वालों ने, तो ये दो चीज़ें हमें मिली हैं। इसके अलावा अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसमें जो हमें इसकी कवर जो है ऊपर से काफ़ी अच्छे से इसकी पैकेजिंग है, ये देख सकते हैं। और इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो ये इसका लुक है जो आएगा और ये काफ़ी ये खूबसूरत है देखने में, काफ़ी अच्छा ये है। और ये जो मॉडल है वो 30BR-C2 का मॉडल है IFB का। इसके और भी मॉडल्स आते हैं बट मैंने ये परचेज़ किया है क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, रोटेसरीज फंक्शन जो कि नया आया है ये भी मिल जाएगा, जो कि आपको मिल जाएंगे, मतलब 101 तरीके के खाने आप इसमें ऑटो कुक सेट मोड पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपको रजिस्टर करता है कि रजिस्टर करने की फैसिलिटी देता है ताकि आप ओवन में अलग अलग चीज़ें बनाना सीख सके। यहाँ पे आपको ये बीवरेज है, पॉपकॉर्न है, राइस है, केक है, पिज़्ज़ा है, कुकीज़ है और ये बारबेक्यू। तो ये 101 फूड मेनू ये इसने बताया है कि हम क्या क्या बना सकते हैं इसमें, आप ऑटो सेट मोड पे इसमें बना सकते हैं, इसकी डिटेल दी है। और ये आप देख सकते हैं ये सारे बटन्स दिए हैं इन्होंने, ये बीवरेज के लिए पॉपकॉर्न, राइस, केक, पिज़्ज़ा, कुकीज़, बारबेक्यू। तो ये सारे जो है ये ऑटो सेट है, मतलब इन्हें आपको सेट नहीं करना, जस्ट बटन प्रेस करके स्टार्ट बटन आपको दबा देना है तो इससे आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसके अलावा जो बटन दिया गया है ये डिफ्रॉस्ट के लिए है और ये रीहीट के लिए बटन दिया गया है। और ये 1 मिनट 10 मिनट जो खुद से आपको सेट करना है बटन्स, तो वो सारे बटन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप माइक्रोवेव का अगर पावर सेट करना चाहते हैं लेवल, तो वो दिया गया है। ग्रिल प्लस माइक्रोवेव, माइक्रो प्लस ग्रिल के लिए एक अलग बटन दिया गया है ताकि बहुत सारी सुविधा हो सके। इसके लिए रोटिसरीज़ है और कन्वेक्शन ये दिया गया, कन्वेक्शन में आप कुकीज़ है या फिर बेक करने का जो काम होता है, केक है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें हम कन्वेक्शन मोड पर जाके कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बटन भी दिया गया है और आपको धीरे धीरे जब आप यूज़ करेंगे तो सारे फंक्शंस आपको समझ में आएंगे। स्टार्ट बटन दिया गया, ये स्टॉप करके रीसेट करने का बटन दिया गया है। तो मैं इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो भी बता दूँगी, तो इसके लिए आप कमेंट करें
और ये अंदर मैंने देखा है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये अंदर से हमें इसके लिए मिला है कि इसको किस तरीके से क्लीनिंग करने का तरीका है, इसका हमें ये दिया गया है, एक पेपर दिया गया है और बताया गया है। और ये एक हमें मैनुअल बुक दी गई है इसको ओवन को चलाने के लिए और इसके सारे फंक्शंस के बारे में, तो इसे आप अच्छे से देख लें। ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। इसके अलावा जो हमें दी गई हैं चीज़ें, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें दो तरीके का स्टैंड दिया गया है, एक छोटा स्टैंड है और एक उससे थोड़ा ऊंचा स्टैंड है। तो ये ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, बेकिंग करने के लिए, केक बनाने के लिए दोनों तरीके के स्टैंड यूज़ होते हैं, ग्रिलिंग में यूज़ होते हैं जब आप छोटा स्टैंड में, ताकि आपको जब ओवर कुक नहीं करना हो। और ये रोटिसरीज़ का ये हमें दिया गया है, तो इसे हम अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये चिकन वगैरह, अगर बारबेक्यू करना है, चिकन है, पनीर है, तो ये रोटिसरीज़ के लिए ये टर्न करता है, तो इस तरीके से ये टर्न करेगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर से हीट आता है तो उससे पूरे तरीके से कुक हो जाएंगी। और इसे जब काफ़ी गर्म होता है जब ये कुक होगा, तो इसे निकालने के लिए ये हमें दिया गया है, रोटिसरीज़ के जो हैंडल है इसको निकालने के लिए वो दिया गया है। इसके अलावा ये इस तरीके से स्पिन करने वाला, ये लगातार लगा रहेगा, तो ये दिया गया। एक टर्न टेबल है, ये हर माइक्रोवेव में रहता है टर्न टेबल, तो ये ग्लास का रहता है और इसे हम इसमें फिट कर लेते हैं। तो ये जब फिट रहता है ये नहीं निकाला जाता है, जितनी चीज़ें आपको रखनी होती हैं वो इसके ऊपर ही रखी जाती है और ये रोटेट करता है जबकि हम इसमें चाहे खाने को गर्म करते हैं या कुछ कुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये नहीं हटता, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। एक ये तवा दिया गया इस तरीके का ताकि इसमें फ्राई करने की चीज़ें बन सके, तो इसके लिए ये हमें तवा दिया गया है। इस तरीके से उसके ऊपर जाएगा और उसके बाद इसमें कई सारी चीज़ें बन जाएंगी। अगर आप इस पे, इसके यूज़ पे भी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी। इसका बैक भी काफ़ी अच्छा और कॉम्पैक्ट दिया गया इस तरीके से, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये इसका जो है प्लग है, और इन्हें मैं आपको इसे भी निकाल कर दिखाती हूँ। प्लग भी काफ़ी अच्छे से है कि जब हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसे तो प्लग फिक्स रहता है, बट अगर आप कभी 10 दिन हफ्ते दिन के लिए जा रहे हैं तो आप प्लग निकाल के भी इस तरीके से रख सकते हैं। और जब आप को मतलब यूज़ किया तो आपने कर लिया, और जब आपने कहीं जाना 10-15 दिन के लिए तो आप इसका प्लग को निकाल के इस तरीके से छोड़ने के बजाय इसमें फिक्स कर सकते हैं और उस तरीके से करके रख सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये जो ओवन है माइक्रोवेव BRC2, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, IFB का ओवन। और इसके जो इंस्टॉलेशन होती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और आप इसे बजट रेंज में है और इसे इजीली परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उससे भी इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं।